अखिल कोट ब्रह्मांड नायक आनंद कंद ब्रजेंद नंदन अघटन घटन अपने भक्तों के ऊपर अपनी अहेत की कृपा करने वाले तड़दित विनंदित पीतांबर धारी करुणा वरुणाने श्री वांके बिहारी परम पावन आश्विन मास और नवरात्रि में उपासना के पावन पर्व पर उदयपुर की इस पावन धरा पर लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। भक्तिपूर्ण इस श्रीमद् भागवत अमृत वर्षा महोत्सव का आज चतुर्थ दिवस है। आमरण व्रत अनशन लिए हुए महाराज परीक्षित से निश्रित भागवत रूपी रस का पान कर रहे हैं। इस समय श्रीमद् भागवत में चार संवाद चल रहे हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सूत जी महाराज सोनकांत ऋषियों को लक्ष्य करके कथामृत पान करा रहे हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य को लक्ष्य करके भागवतामृत पान करा रहे हैं। गोविंद की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं और सुखताल में श्री सुखदेव स्वामी के मुखारविंद से निश्रित भागवत रूपी रस का पान श्री परीक्षित जी महाराज कर रहे हैं। कल सायंकालीन कथा प्रसंग में हम लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति से भगवान के परम लाडली भक्त प्रहलाद जी के चरित्र को श्रवण कर रहे थे। अपने नन्हे से भक्त प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए भगवान खंभ को फाड़ करके नृसिंह के रूप में अवतरित हुए और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। भगवान नृसिंहदेव को जब क्रोध आया तो प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थित मंत के तातप प्रसमयोपेहि कुपित्ते सपित्रे कुपितं प्रभु। प्रहलाद जी को बाद में अपने नृसिंह भगवान के सामने खड़ा किया और अपना वरद हस्त प्रहलाद के सिर पर भगवान ने रखा, अनंत प्रकार से स्तुति गाई। भगवान नृसिंहदेव ने कहा कि प्रहलाद तू मुझे क्षमा करना यदि मैंने आने में थोड़ा विलंब कर दिया हो तो। तेरी जो इच्छा हो सो मेरे से मांगने। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मैं क्या मांगू, जब आप मिल गए तो संसार की तो मेरी कोई कामना रही नहीं, और आप यदि मेरे को सांसारिक सुख तो वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि संसार सलन पोषण होता है। प्राचीन धर्मात्मा वेद कह रहा है ब्राह्मणो समुखमासीन बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्यांग सूत्रो अजायत। ब्राह्मण जो है वो भगवान का मुख बताए गए हैं और भगवान की जो भुजाएं हैं वो हैं क्षत्रिय। भगवान का जो उदर है वो है वैश्य और चरण जो हैं वो हैं सूत्र। पदभ्यांग सूत्रो अजायत, चार वर्ण और चार धर्मों का निरूपण किया और सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन यह जीव
दुख में भगवान को याद करता है, सुख में भगवान को भूल जाता है। क्यों? क्योंकि जब यह जीव विचलित होता है, तब जब इसका कोई सहायक नहीं होता है, तब यह भगवान की शरणागति होता है। शास्त्र कह रहे हैं कि जीवन में दुख आवे चाहे जीवन में सुख आवे, एक रस रहने की आदत डालो। कि सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जीवन में सुख आ जाए तो इतने फूलो मत, क्योंकि आज जीवन में सुख है, कल दुख भी आ सकता है। इस सुख और दुख क्या है? जिसको हम अपने लिए समझते हैं वो सुख है, और जिसको हम अपना नहीं समझते हैं वो दुख है। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। इस संसार रूपी जीवन की नदियां के दो किनारे हैं, एक सुख का किनारा है, एक दुख का किनारा है। और देखो, जीवन में जब हमारे सुख आता है तो दुख अपने आप स्वतः चला जाता है, और जीवन में दुख आता है तो सुख चला जाता है। इसलिए जीवन में प्रयास करो कि गोविंद की कृपा से सुख है चाहे दुख है, दोनों में हम एक रस रहने की आदत डालें। आए बड़ी सुंदर कथा भगवान सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाई है, जिसको भागवत में कहते हैं गजेंद्र उपाख्यान। कि आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विस्तृता, क्षीरो देनावृत श्रीमान, योजना नान्यत मुच्छ्रितः। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, और उस त्रिकूट नाम के पर्वत के चारों ओर घनघोर वृक्षावली है, और वहां अनेक प्रकार के वृक्षों के फल लगे हुए हैं। और उसी त्रिकूट नाम के पर्वत की तलहटी में एक गजराज रहता है, जिसको कहते हैं हाथी। और वो भी अकेले नहीं, अपनी पत्नी अपने पुत्रों को साथ में लेकर के निवास करता है। आज गजराज ने विचार किया, बड़ी कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, किसी सरोवर में स्नान करने के लिए चलूं। अपनी पत्नी अपने पुत्रों को साथ में लेकर के वो गजराज आया, और सरोवर में मनमत्त होकर के वो स्नान कर रहा है। सूंड में जल भरता है, और जल भर करके कभी पत्नियों के ऊपर डालता है, कभी पुत्रों के ऊपर डालता है। इतना मदमस्त होकर के वो स्नान कर रहा है, भूल गया कि सरोवर में कोई ग्राह भी रहता है। ग्राह कहते हैं मगर को। और ग्राह ने आज आकर के उस गजराज के पैर को पकड़ लिया। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन ये त्रिकूट नाम का जो पर्वत है वो कोई और नहीं, ये अपना मनुष्य शरीर ही त्रिकूट नाम का पर्वत है। और ये जो गजराज जो रहता है वो गजराज कोई और नहीं, इस जीव को ही गजराज कहते हैं।
जिस सरोवर में वो स्नान करने के लिए गया है वो सरोवर कोई और नहीं है, ये संसार ही एक सरोवर है। जिस संसार रूपी सरोवर में हम भी उस गजराज की तरह यात्रा पर निकले हैं, अपनी पत्नी अपने पुत्रों को साथ में लेकर के। पर हम इनके प्रेम में इनके मोह में इतने फंस जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि संसार रूपी सरोवर में एक काल रूपी मगर भी रहता है। गजराज सोच रहा है, गजराज बड़ा अभिमानी है, होगा कोई जलचर जीव, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। अरे इतना विशाल काय मेरा शरीर है, आज ग्रह ने जब गजराज के पैर को पकड़ लिया और अंदर गहरे जल में खींच करके ले जाने लगा, तब गजराज को होश आया कि मुझे तो लगता है कि मेरे पैर को किसी ग्रह ने पकड़ लिया है। पत्नियों से कहा, देवियों आज मेरे जीवन में घोर संकट आया है, किसी ग्रह ने मेरे पैर को पकड़ लिया है, मेरी रक्षा करो ना। पत्नियों ने सूंड से सूंड मिलाई और गजराज को खींचने का प्रयास किया। कई दिन हो गए नहीं खींच पाई, आज पत्नियों ने अपना मुख मोड़ लिया और चल दी वन की ओर। गजराज देख रहा है, अपने पुत्रों से कहा, बेटा मेरे जीवन में आज संकट आया है, मेरी रक्षा करो। पुत्रों ने भी खींचने का प्रयास किया पर वो भी विफल रहे, वो भी नहीं खींच पाए। पुत्र भी मुख मोड़ करके चल दिए जंगल की ओर। आज गजराज बिल्कुल असहाय हो गया और गजराज सोच रहा है कि जिन पत्नियों के लिए, जिन पुत्रों के लिए मैंने आज तक स्वयं दुख सहा पर मैंने इनको सुख दिया, आज मेरे जीवन में कष्ट आया, मैंने इनसे प्रार्थना की, तो आज सब अपना मुख मोड़ करके चले दिए। भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जब ये काल आता है ना, और काल जब जीव को पकड़ता है, जिसको हमने अपना माना है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो पुत्र है, चाहे वो सगे संबंधी बंधु बांधव ही क्यों ना हो, वो सब अपना अपना मुख मोड़ करके चले जाते हैं। जितना जितना मोह, जितनी ममता यह जीव स्वजन बंधु बांधवों से करता है, यदि उसमें से थोड़ी सी ममता गोविंद से मिलन की करे तो गोविंद इसके सहायक हो जाए। आए गजराज सोच रहा है कि अब मैं करूं तो क्या करूं, मेरे तो सारे प्रयास आज विफल हो गए, पत्नी चली गई, पुत्र चले गए, अब करूं तो क्या करूं, कौन मेरा सहायक होगा। अपबले तपबले और बाहुबल और चौथो है बलदान और सूर किशोर कृपा से सब बल हारे को हरि नाम। किसी को अपनी भुजाओं का बड़ा भरोसा रहता है, बड़ा बल रहता है, मेरी बाजुओं में इतनी ताकत है कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूं, तो किसी को अपनी तपस्या का बड़ा भरोसा रहता है, मैंने इतनी तपस्या करी है, मेरी तपस्या विफल नहीं जा सकती है, तो किसी को अपने धन का बड़ा ही बल रहता है कि मेरा काम सब पैसे से हो जाएगा। पर जब इस जीव के सारे साधन सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, जब इसको तीनों लोकों में कोई सहायक नहीं बनता है, तब इसको हार करके भगवान की शरणागति होना पड़ता है और भगवान ही फिर इस जीव के रक्षक बनते हैं। गजराज सोच रहा है कि अब मैं किसको पुकारूं, कौन मेरी रक्षा करेगा, तो आज गजराज ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है।
कि एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राजन मन्यनुशिक्षितम्। परीक्षित ने पूछा, गजराज ने संस्कृत के मंत्रों में स्तुति गाई? बोले हाँ। क्यों? बोले प्राग जन्म अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से। गजराज स्तुति कर रहा है कि ये स्वात्मनीदम निजमायार्पितम, जिस परमात्मा ने इस संसार को बनाया है, बना करके पालन करता है, संहार करता है, वो परमात्मा मेरी आकर के रक्षा करे। जिसकी कृपा से पवन चलती है, जिसकी कृपा से इंद्र वर्षा करता है, जिसकी कृपा से सूर्य तपता है, जिसकी कृपा से मृत्यु विचरण करती है, वो गोविंद, वो भगवान मेरी आकर के रक्षा करे। आकाश मंडल में आए देवताओं की भीड़ लगी हुई है, सब देवता आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। बोले बाबा आप चले जाओ इस भक्त को बचाने के लिए। बोले नाथ कह रहे मैं क्यों जाऊं? अरे इसने कोई मेरा नाम तोड़ ही लिया है जो मैं जाऊं? अरे मेरा नाम नहीं जानता तो कम से कम बम बम कह देता, मैं नहीं जाऊंगा। अरे दुर्गा मैया तुम चली जाओ। और देखो जी नाम तो इसने मेरा भी नहीं लिया है, मैं भी नहीं जाऊंगी बचाने तो इसको। अरे मेरा नाम नहीं जानता था तो कम से कम आठ भुजा वाली कह देता। अरे ब्रह्मा जी आप चले जाओ, आपने तो सृष्टि को बनाया है। ब्रह्मा जी बोले देखो जाएंगे हम भी नहीं, इसने कोई मेरा नाम थोड़े लिया है। अरे मेरा नाम नहीं जानता था तो कम से कम चार मुंह वाला ही कह देता तो मैं चला जाता। देवता आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और इधर गजराज जो है जिसकी तिल भर सूर्ण जल के ऊपर रह गई है, वो भगवान की स्तुति कर रहा है। हे गोविंद, हे परमात्मा, हे ब्रह्म, आओ मेरी रक्षा करो, आज मेरे जीवन में दुख आया है और मेरे दुख को गोविंद केवल आप ही दूर कर सकते हो, और किसी की हिम्मत नहीं है और किसी की सामर्थ्य नहीं है। जीवन में प्रयास करो कि पहले तो हमारे जीवन में कभी दुख आवे ही नहीं, हम कर्म ऐसा करें। और जीवन में यदि दुख आ भी जावे तो कभी संसार के सामने अपने दुख को मत रोना। जब जीवन में दुख आवे तो या तो गुरु की शरणागति होना और या फिर भगवान की शरणागति हो जाना, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे हैं जो दुखों को दूर कर सकते हैं, और तीनों लोगों में किसी की सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हारे जीवन के दुखों को दूर कर देवे। गजराज ने आज बड़ी सुंदर स्तुति गाई है, हम भी गजराज के साथ में मिलकर के स्तुति करें कि कल हो ना हो हमारे जीवन में कोई दुख आवे। हे गोविंद, हे बांके बिहारी, हमारे जीवन के दुखों को तुम दूर कर देना। बांके बिहारी जी दूर करूं दुख मेरा, बांके बिहारी दूर करो दुख मेरा, अवध बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, अवध बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा मेरा बांके बिहारी।
दूर करो दुख मेरा, दूर करो
दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम। बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। आए गजराज ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की गाई। भगवान नारायण ने आए गरुण को आदेश दिया, गरुण जल्दी चलो, एक भक्त की रक्षा करने के लिए चलना है। आज उस गरुण को भी अभिमान हो गया। भगवान ने गरुण को वहीं छोड़ा और जहां सरोवर पर गजराज जिसकी तलवार सूंड रह गई है, आज उसने जैसे ही गोविंद को देखा है, और तो उसके पास कुछ था नहीं। उस सरोवर में एक कमल खिला हुआ था, उस कमल को ही तोड़ करके
गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया। कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मना। गोविंद की प्रतिज्ञा है कि कोई पत्र तोड़ करके चढ़ा देता है तो प्रसन्न हो जाते, कोई एक लोटा जल चढ़ा देता तो प्रसन्न हो जाते, और परिणाम क्या हुआ? आए भगवान श्रीहरि नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी है। सोन्त है सरसुरबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्मति हरिं खौपात चक्रम उच्छिप्य सांबजकरं गिरिमाह कृच्छां नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। सुदर्शन चक्र के द्वारा आज ग्रह के सिर को धड़ से अलग कर दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित से पूछा, बताओ यह गजराज को उबारा है या ग्रह को उबारा है? परीक्षित जी कह रहे हैं कि यहाँ गजराज की रक्षा करने के लिए भगवान आए न। सुखदेव भगवान कह रहे हैं यहाँ आए तो गजराज को बचाने ही है, पर जो मुक्ति गजराज को बाद में मिलेगी भगवान ने वही मुक्ति पहले ग्रह को दे डाली है। यो वही ग्रह सवई सत्यो हुहुर गंधर्व सत्तमः। ये जो ग्रह है ये पूर्व जन्म में एक हुहु नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि एक दिन स्नान कर रहे थे नदी में और यह अंदर जल में जाकर के देवल ऋषि के पैर को पकड़ करके ले जाने लगा। देवल ऋषि को क्रोध आया और श्राप दिया, मूर्ख तेरी मगर की जैसी मति है इसलिए श्राप देते हैं कि तू मगर ही हो जाएगा। और ये जो गजराज है ये पूर्व जन्म में एक इंद्रदमन नाम का राजा था, इसको भी संत का श्राप लगा था, ये भी गजराज बन करके आया है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि जीवन में हमेशा ये प्रयास करो कि हम भगवान के चरणों से कभी भी दूर ना हो। हम अपने घर में बैठ करके रोज ठाकुर को लाड़ लड़ावे, ठाकुर की सेवा पूजा उपासना करें, परमात्मा के समीप में रहना ही सबसे बड़ी उपासना है। भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान कह रहे हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबही और जन्म कोट अगनासे हूं तबही। ये जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है तो मैं इसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पापों को नष्ट करके इसको अपना बना लेता हूं। हम लोग सनातनी हैं और सनातनियों के यहां लड्डू गोपाल भगवान की सेवा की जाती है। बड़े रिजोरे ठाकुर हैं लड्डू गोपाल भगवान, बड़े लाड़ चाव से इनकी सेवा होती है। जैसे छोटे से बालक की हम अपने घर में सेवा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसका लालन पालन करते हैं, ठीक ऐसे ही लड्डू गोपाल भगवान की भी उपासना की जाती है। और वल्लभ कुल में तो ठाकुर जी की बड़ी सेवा की जाती है, बड़ा लाड़ लड़ाया जाता है ठाकुर जी को। जैसे हमारा छोटा सा बालक होता है उसको हम सुबह जगाते हैं, बेटा देख अब तो सूर्य नारायण भगवान निकल आए और तेरे स्कूल जाने का अब समय हो गया है, अब तू जल्दी से जग जा। वो छोटा सा बालक एक दो बार तो आंखों को मीण करके और आंखों करके फिर सो जाता है, अभी समय है। फिर माँ कहती है बेटा देख अब तो थोड़ा सा समय रह गया है, अब तू जल्दी जग जा।
जैसे हम अपने घर में छोटे से बालक को जगाते हैं, ऐसे ही लाड़ लड़ा करके ठाकुर जी भी जगते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। जागो रे मोहन प्यारे अब तो, जागो रे मोहन प्यारे, जागो रे मोहन प्यारे अब तो, जागो रे मोहन प्यारे। पंचन की घन घोर भई है, पंचन की घन घोर भई है, घर घर खुले के बारे अब तो, जागो रे मोहन प्यारे। इस प्रकार रोज लाड लड़ा करके ठाकुर जी को जगाया करो, तब ये ठाकुर रीझते हैं। प्रीतम प्रीत ही सो पई है, प्रीतम को यदि पाना है तो प्रेम से ही पा सकते हैं। और कह रहे हैं कि बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, ये बिना प्रेम के नहीं रीझता है। और हमारे जीवन में ये हमेशा प्रयास रहना चाहिए कि जो वस्तु एक बार भगवान के चरणों में समर्पित हो गई, वो कभी फिर भूल करके भी अपने पैरों में ना गिरने पावे। हमारे द्वारा भगवान का और भगवान के प्रसाद का अपराध नहीं हुए, ये हम प्रयास करें। आज संत दुर्वासा गए थे संत नारायण भगवान के पास, और नारायण भगवान ने दुर्वासा जी का बड़ा सुंदर स्वागत आतिथ्य किया, और भगवान नारायण ने अपनी प्रसादी माला गले की उतार करके दुर्वासा जी के गले में डाल दी। दुर्वासा जी इस आतिथ्य को ग्रहण करके सीधे इंद्र के यहां पहुंच गए, और इंद्र ने भी आज दुर्वासा जी का बड़ा सुंदर स्वागत किया। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। दुर्वासा जी तो ऐसे संत हैं, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, क्षण में दुर्वासा जी को क्रोध आ जाता और कब श्राप दे दें कोई पता नहीं है। तो इंद्र ने बड़ी सेवा करी, और इंद्र की सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण ने जो प्रसादी माला दुर्वासा जी को दी थी वही माला उतार करके इंद्र को पहना दी। अब देखो इंद्र को तो अपनी लक्ष्मी का अभिमान था,
गले से उतार कर उस माला को पैरों से कुचल दिया। प्रणाम क्या हुआ कि दुर्वासा जी ने देखा, दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, रे मूर्ख इंद्र तेरे को अपनी लक्ष्मी का अभिमान है ना, श्राप देता हूं कि तुम देवताओं तीनों लोकों की संपत्ति से रहित हो जाओगे। तो दैत्यों के जो राजा बलि हैं, आज बलि को मालूम हुआ और बलि ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया, प्रणाम क्या हुआ, त्रिलोकी की संपत्ति दैत्यों के कब्जे में आ गई। देवता जो है वो मारे मारे फिर रहे हैं। तो क्या बोले, आप इन दैत्यों से ही संधि कर लो, मित्रता कर लो, क्या होगा उससे? बोले तुम मित्रता करके समुद्र का मंथन करना और उसमें से अमृत निकलेगा, उस अमृत को तुम पी लोगे तो तुम अमर हो जाओगे। ताओं ने भगवान नारायण के कहने पर कि जो भी अमृत निकल दैत्य, भगवान नारायण बोले देवताओं ये झगड़ा करने का समय नहीं है, इस समय तुमको अपना काम निकालना है। की तरफ देवता लग गए और मंथन प्रारंभ हुआ है। नीचे कोई आधार तो था नहीं, इसलिए मंदराचल पर्वत नीचे की ओर धसने लगा। भगवान श्री हरि नारायण ने तुरंत कच्छप का रूप धारण किया है। बोले कच्छप भगवान की, और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। मंथन हो रहा है, देवता समझ रहे हैं कि इसमें से अमृत निकलेगा, पर अमृत निकलना तो बहुत दूर की बात, उसमें से तो कालकूट नाम का हलाहल विष निकल पड़ा। अब तो देवता घबराए, त्रिलोकी जलने लगी, कौन इस विष का पान कर सकता है? सब देवता और दैत्य मिलकर के भूत भावन भोलेनाथ की शरण में आए हैं। त्राही ने शरणापन्ना त्रैलोक्य देहना प्रभु, हे भोलेनाथ आप ही भांग धतूरे आदि का सेवन करते हो और इस विष को केवल आप ही पचा सकते हो। भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती से कहा, देवी पी जाऊं इस विष को? बोले स्वामी यदि तुम्हारे विष पीने से देवताओं का कल्याण होता है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। तो ततहे करतली कृत्य व्यापी हालाहल विषम अवक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। देवताओं का कल्याण करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने उस विष को अपनी अंजलि में समेटा और उस विष का पान कर गए। अब बाद में उनको याद आया कि मेरे हृदय में तो भगवान राघवेंद्र रहते हैं और यदि ये विष मेरे हृदय तक पहुंच गया तो मेरे गोविंद को बड़ा कष्ट होगा। भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से कंठ नीला पड़ गया, नाम हो गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की। पीते गरीब निशांकीण प्रीतस्ते अमरदानवा ममंतु करसा सिंधु हविर्धानी ततो भवतु। और मंथन प्राप्त हुआ, प्रारंभ किया है। अब की बार उसमें से कामधेनु नाम की गाय निकली है, उसको देवताओं ने स्वर्ग में भेज दिया है। कल्प वृक्ष निकला है, उसको भी स्वर्ग में भेज दिया गया। अप्सराएं निकली हैं, उनको स्वर्ग में भेज दिया गया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, उसको इंद्र ने ले लिया। उच्चिश्रवा नाम का घोड़ा निकला है, उसको राजा बलि ने ले लिया। एक एक करके रत्न निकलते जा रहे हैं और देवता और दैत्य आपस में बांटते जा रहे हैं। भोलेनाथ आए और भोलेनाथ ने कहा, अरे देवताओं बड़े स्वार्थी हो, विष निकला था तो सबसे पहले मेरे पास दौड़ करके आए थे और अब रत्न निकल रहे हैं तो कोई नहीं कह रहा है कि भोलेनाथ एक दो रत्न आप भी ले लो।